दोस्तों दिवाली आ रही है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है, लोग चाहते हैं कि मिठाइयाँ, नमकीन सब चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मिठाइयों का कैलोरीज कंपेयर करके देखते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट आपको आज दिखाने वाला हूँ, कितनी कैलोरी होती है ये गुलाब जामुन के अंदर और कितनी कैलोरी होता है इसके बदले अगर मिठाई खाया जाए पेठा। तो ये दोनों की कंपेरिजन करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक तो कैलोरी कैलकुलेशन का तरीका है और दूसरा मशीन है। चलिए कैलकुलेट करते हैं पेठा में कितनी कैलोरी होती है। पेठा हम लोग लेते हैं क्या है, पेठा का सब्जी होता है, आपको मालूम है, उसको बॉईल कर लेते हैं और उसको चीनी के चाशनी में डाल देते हैं। तो मान लेते हैं पेठा हम लोग 50 ग्राम पेठा लेते हैं, तो 50 ग्राम नॉर्मल पेठा में करीब 20 कैलोरी होती है, तो 50 ग्राम में 10 कैलोरी होती है। और उसमें मान लेते हैं 2 चम्मच चीनी लगेगी मिठास करने के लिए, तो 2 चम्मच चाय की चीनी 5 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम और उसमें 4 कैलोरी 1 ग्राम का होता है, तो करीब करीब 40 कैलोरी। तो 50 ग्राम पेठा अगर मैं वजन करके आपको दिखाऊँ तो इसमें कितनी कैलोरी है, ये देखिए, ये एक डाला और ये दूसरी डाली, करीब करीब ये दोनों पेठा मिला के मैं वजन अगर करता हूँ तो ये वजन हो गई 50 ग्राम। 50 ग्राम पेठा का कैलोरी है 50 कैलोरी। तो ये दो खा के 50 कैलोरी में आपका काम बन सकता है। और अब देखते हैं गुलाब जामुन का कितना होता है। ये मैं पेठा को वापस रखता हूँ और मैं अब एक लेता हूँ जो बहुत फेवरेट मिठाई है गुलाब जामुन, इसको लेता हूँ और इसका भी वजन 50 ग्राम ही है। तो 50 ग्राम अगर इसकी वजन है, इसकी कैलोरी कैलकुलेट कैसे होगा सोचिए एक बार। गुलाब जामुन बनाने के लिए पहले हम मैदा लेते हैं और मैदा में हम लोग डालते हैं चीनी। अब इन दोनों को जो एक राउंड बन जाता है इसको फिर हम लोग तलते हैं, तेल में फ्राई करते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए जो मैदा है और चीनी है वो 4-4 कैलोरी पर ग्राम होता है और तेल है या घी है जो भी तेल में आप इसको फ्राई करेंगे वो होता है 9 कैलोरी का। तो एवरेज 6 कैलोरी अगर माने तो ये 50 ग्राम गुलाब जामुन 6 × 50 300 कैलोरी होता है। तो अब कंपैरिजन देखिए, 300 कैलोरी इस मिठाई का और 50 कैलोरी ये दोनों मिठाई मिला के। तो आप बहुत समझदार हैं, सोच लीजिए दिवाली में कौन सी मिठाई लेनी है। दोनों में फ़र्क क्या है मालूम है, इसमें एक तो सब्जी चली गई आपके अंदर, सब्जी के गुण चले गए और सब्जी में कैलोरी खास है नहीं, और चीनी है तो मिठाई चाहिए तो चीनी तो चाहिए, तो चीनी का चला गया। इसमें कोई तेल नहीं गई, एक बूंद भी तेल की ज़रूरत नहीं है, पर इसको बनाने के लिए आपको कोई भी तरह की फैट ज़रूरत है प्लस मैदा ज़रूरत है, ये सब हाई कैलोरी फूड है। तो आपका 250-300 कैलोरी इसमें और 50 कैलोरी इसमें, 250 कैलोरी अगर इतना सा आप डिफरेंस कर देते हैं, 250 कैलोरी, आपको मालूम है वजन का क्या हिसाब है, हमारे बॉडी में 1600 कैलोरी ज़रूरत है और अगर आप 1600 के जगह 2000 डालेंगे, 2500 डालेंगे पूरा दिन में, तो आपका 1000 कैलोरी के बराबर वजन बढ़ेगा। और अगर आप उसमें से कैलोरी कट कर सकते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो जो स्पेशली मोटापे वाले हैं उनके लिए ये मिठाई का कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। तो मिठाई खाइए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज़ ना हो तो मिठाई खाने में भी दिक्कत नहीं है, बट आपको कैलोरी कॉन्शियस करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिठाइयाँ खा रहे हैं, और ये वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ऐसी वीडियो मैं हर दिन बना बना के दूंगा। जितने तरह के नमकीन हैं उसकी कंपैरिजन, जितने तरह के मिठाइयाँ उसकी कैलोरी की कंपैरिजन, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलेगी। तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, आप जानते हैं, हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों को हार्ट के और फूड के बारे में एजुकेट करते हैं हम, और ये एजुकेशन आज पूरे इंडिया के हर आदमी को ज़रूरत है। वो किताब नहीं पढ़ सकते पर एजुकेशन तो ले ही सकता है। और हमारी एक ज़ीरो ऑयल कुकिंग का एक चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ज़ीरो ऑयल का हम लोग हंड्रेड्स ऑफ रेसिपीज़ उसमें डाल रहे हैं और वो सारे रेसिपीज़ आपके काम के। मिठाई दोनों हैं पर आप अगर नॉलेजबल होंगे तो आप हार्ट की बीमारी और मोटापा ये दोनों को अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ इतना सा शिफ्ट करके। तो आज यहीं पे रोकते हैं, थैंक यू सो मच।